हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हेयर ग्रोथ पे बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हर एक के बाल झड़ रहे हैं, डैमेज हैं, कुछ के तो स्प्लिट एंड हो गए हैं। तो उसकी वजह से ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो लोगों ने मुझसे डिमांड की है कि आप बनाएं प्लीज़ हमारे बालों की हेल्थ, हेयर केयर के लिए। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए होगा एलोवेरा, विटामिन ई कैप्सूल और कोकोनट ऑयल 3 to 4 स्पून। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास फ्रेशली ये मेरा अपना घर का प्लांट है एलोवेरा का, जो हर एक को लगाना चाहिए एलोवेरा। उसके अलावा ये कुछ छोटे लीफ हैं, ये भी मैंने शामिल कर लिए हैं। तो इसको हम सबसे पहले पील ऑफ करेंगे। बहुत इजीली पील ऑफ हो जाता है एलोवेरा, बहुत सॉफ्ट और बहुत आराम से इसकी आप जेल निकाल सकते हैं। एलोवेरा जो है, इसका जो ये मास्क है, ये आप मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम 2 आवर्स अपने सर पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये ईज़िली साफ हो जाता है, शैम्पू से आपका क्लीन हो जाता है हेयर, सर आपका जो है। उसके अलावा वीक में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला मास्क। और एलोवेरा जब भी ये आप बनाएं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है फ्रेश एलोवेरा लेके उसका लीफ उसी से जेल निकालिएगा, क्योंकि प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो आर्टिफिशियल, उनमें कलर्स वगैरह मिले हुए होते हैं, वो हमारे बालों के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं। उसके अलावा एलोवेरा के इस्तेमाल से आपके बालों की जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो क्लीन कर हो जाते हैं। इसमें विटामिन ए सी ई होता है, जो बालों की हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करता है और बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बना। अब ये जो मैंने फ्रेशली एलोवेरा निकाला है, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, ताकि इसमें जो गूदा होता है और उसको मैं अलग कर लूँ किसी बारीक कपड़े की मदद से छान कर, और जेल को अलग कर लूँ ताकि वो बालों में उलझे नहीं। तो ये एक तो इसके बड़े फ़ायदे हैं हमारे, जो हम घर में ये इस तरह से जेल बना के और मास्क बनाएंगे अपने बालों के लिए, हेयर ऑयल बनाएंगे, वो उससे हमारे बाल बहुत लंबे, सिल्की, चमकदार और शाइनी हो जाएंगे। क्योंकि ये जेल फ्रेश है, तो ये फौरन बालों में जाकर असर दिखाएगा। अच्छा, ये इस बारीक कपड़े में मैं इस तरह से अपनी इस जेल को, देखें इस तरह से मैं इसको छान लूँगी, ताकि वो जो इसके अंदर गूदा है वो अलग हो जाए। तो ये मैं सब चीज़ें सामने इसलिए करना चाहती हूँ, ताकि आप जब घर में बनाएं तो आपको मुश्किल ना हो। और आजकल तो आपको पता है, सर्दियों का मौसम है, 100 में से 75% लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल सर्दियों में ज़रूर झड़ते हैं। तो सर्दी शुरू होने से थोड़ा दिन पहले ही आप अगर ये इसका इस्तेमाल शुरू कर दें, तो आपके सर्दियों में बाल ना झड़ें। ये देखिए किस तरह इतना अच्छा स्मूथ सा, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल हमें मिल गया है। अब ये मैंने विटामिन ई के कैप्सूल ले लिए हैं, इसमें से मैं सिर्फ 2 कैप्सूल लूँगी, जो इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी। इसको थोड़ा सा कट करके ये मैंने इसके अंदर एलोवेरा जेल में मिला रही हूँ। विटामिन ई के अंदर ये खासियत होती है कि ये कोकोनट ऑयल के साथ बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। तो मैंने इसीलिए कोकोनट ऑयल ले रही हूँ इस हेयर ऑयल बनाने के लिए। अब अगर आपका इस तरह से कोकोनट ऑयल सॉलिड हो, तो उसको डबल बॉयलर की मदद से आप इसको मेल्ट कर सकते हैं और ये जेल के अंदर आप मिला लें। इसके अलावा जो एलोवेरा जेल होती है, इसके अंदर B12 एंड फॉलिक एसिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और स्कैल्प में जो है ब्लड सर्कुलेशन, उसको ये इंक्रीज़ करता है। उसकी वजह से आपके बालों में डैंड्रफ और हेयर फॉल और ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको ये दूर करता है, बालों को सिल्की, शाइनी और सॉफ्ट बनाता है। अब मैं ये एक छोटे से बोल में, ये जितना मुझे अपने बालों में यूज़ करना है, उतना मैं एलोवेरा जेल का ये मास्क निकाल लेती हूँ और ये मैं अपने सर पे अप्लाई करती हूँ। ये मैं आपको खुद इसलिए अप्लाई करके बता रही हूँ कि ये मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और इसकी मदद से मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और जो झड़ने लगे थे उन वो भी रुक गए हैं। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, क्योंकि मैं इसी ब्यूटी से रिलेटेड अपनी वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह से मैं अपने बालों में इवनली ये मास्क अप्लाई कर लूँगी। तो इस तरह से पार्टीशन करके लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से बालों के हर हिस्से में आपके ये इवनली अच्छी तरह से बालों में लग जाएगा।
ये देखिए नीचे मैंने दो पार्टीशन करके नीचे के बालों में भी लगा लिया है अच्छी तरह से। और ये मास्क मैं तकरीबन इस मास्क का 5 मिनट में मसाज करूँगी बालों में। और स्प्लिट्स एंड जो हैं आपके, इनमें भी ये आपने लगाना है, इससे स्प्लिट्स एंड ख़त्म होती हैं। और ये मैं 30 मिनट अप्लाई करूँगी अपने बालों में। और इस तरह से ये मैं हेयर कैप ज़रूर लगाती हूँ बालों में, ताकि मेरे बालों में से ऑयल वगैरह ना मेरे कपड़ों में लगे, या घर में या काउच वगैरह पे या बेड पे ना मतलब लगे। तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय बाय।